छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। कई इलाकों में ग्रीष्म लहर की स्थिति भी देखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्से में जारी भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश और झारखंड में आज गर्मी की स्थिति जारी रहेगी। मौसम विभाग ने कहा कि अगले दो दिनों में देश के उत्तरी और पश्चिमी और मध्य भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी भागों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पूर्वी भागों तथा पश्चिम बंगाल में अगले 6 दिनों के भीतर मध्यम वर्षा होने की संभावना भी जताई है। छत्तीसगढ़ सहित बिहार, झारखंड और उड़ीसा में अगले 4 दिनों में ऐसी ही स्थिति बने रहने के आसार है। देश के उत्तरी भाग में अगले 5 दिनों में आंधी के साथ बारिश होने की भी संभावना है। पिछले 3 दिन से अगर आप देख रहे हैं तो ग्रीष्म लहर चल रही है छत्तीसगढ़ का ऊपर, एंड कल हमने ये ग्रीष्म लहर का चेतावनी जो है और 2 दिन बढ़ाया। आज और कल भी ये होने का चांसेस है, मतलब 31st एंड 1st भी हमको ग्रीष्म लहर का स्थिति बनने रहने की संभावना है, लेकिन उसका एरिया जो है थोड़ा कम होगा। पहले 3 दिन जो है लगभग सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के सभी जिलों ने दिया, एंड परसिस्टेंस के बेस पे आज हम ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर रहे हैं ग्रीष्म लहर के लिए। मुख्य रूप से ये मध्य छत्तीसगढ़ का जिला, जैसा रायपुर भी हुआ, रायपुर का आसपास जो हमारा राजनांदगांव, दुर्ग और आसपास जिला जो है वो चेतावनी हमने जारी कर रहे हैं, और कल तो येलो अलर्ट जारी कर रहे हैं। कल के बाद, कल से ही आपको थोड़ा हल्का सा गिरावट दिख जाएगा। 1 जून से ही हल्का सा गिरावट शुरू होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन 1 से 3 डिग्री तक गिरावट का संभावना है। इधर छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी और ग्रीष्म लहर की स्थिति बनी हुई है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे लोग बेहाल हैं। नौतपा के 7वें दिन मुंगेली राज्य में सबसे गर्म दिन रहा, वहीं आज भी तापमान में कोई गिरावट नहीं देखी जा रही है। जिले का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। इस बीच जिले में लू की चपेट में आने से 1 व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। कलेक्टर राहुल देव ने जिलेवासियों से गर्मी से बचने के उपाय करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा है कि बेहद जरूरी होने पर ही वे घर से बाहर निकले और लू के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आप सभी लोग अपना स्वयं बचाव करें और अत्यधिक जरूरी काम होने पर ही घर से निकलें। अधिक से अधिक समय घर पर व्यतीत करें, अपने आप को ठंडा रखें, हाइड्रेटेड रखें और इस तरह के पदार्थों के उपयोग से बचें जो बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। इधर जांजगीर चांपा जिले में ग्रीष्म लहर से अब तक 4 लोगों की मौत होने की खबर है। एसडीओपी यदुमणि सिदार ने बताया कि चांपा में लू से 2 लोगों की मौत हुई है। थाने में पुलिस को ये सूचना मिली है बीडीएम अस्पताल के माध्यम से कि 2 व्यक्तियों का ब्रॉड डेथ हुआ है और आकस्मिक मौत है। इस सूचना के आधार पे पुलिस ने 2 मर्ग कायम करके जांच में लिया है। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी भीषण गर्मी और ग्रीष्म लहर की स्थिति देखने को मिल रही है। अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने से लोग काफी परेशान हैं।